यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं श्रीजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं कह रहा हूँ ऑपरेटिंग आउट ऑफ लव, जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेट करो कि भाई परमात्मा का खेल है सारा का सारा, बोले की माया है सारी की सारी, ठीक है। इस माया के अंदर हमें लेसन मिल रहे हैं, लर्निंग मिल रही है, आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, हर बंदा सीख रहा है, हर सेकंड सीख रहा है। तो हम उस पर भरोसा रखते हुए कुछ अपने अंदर एक ऐसे एनर्जी, मतलब उस पर भगवान पे भरोसा रखते हुए अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करें, अपने चक्रास को एक्टिवेट करें, सदगुरु या फिर और कोई गुरु देखें, उनकी बातों को सुने, मेडिटेटिव हो, शांत हो जाएं, तो चीजें अपने आप हमें मतलब स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगी। सदगुरु खुद फ्री में सुने मेरे को पता है सदगुरु फ्रीमेसन है, लेकिन आप एक चीज सोचिए, अजीत डोगरियाल का नाम सुना था, इंडियन की सीक्रेट एजेंसी में थे, लेकिन पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी में जाके वहां काम करके उनका सब कुछ सीख के वापस आके इंडिया को सपोर्ट किया, राइट। तो हम ऐसे किसी को भी ऐसे नहीं कर सकते, क्या पता ये वही काम कर रहे हो, क्या पता ये उनके जो ग्रेट रीसेट का प्लान है उनके साथ बोल रहे हो, बट ही इज द एनलाइटन्ड मैन, आई थिंक ही नोज एवरीथिंग बट विल गोना हैपन इन द कमिंग फ्यूचर। तो आपको एक आपने आपने ये अभी निकाला, मुझे वो मैं कह रहा हूँ ना, आप फ्रीमेसन हो अच्छी बात है, विवेकानंद फ्रीमेसन थे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, उन्होंने इस चीज को थोड़ा एक्सपोज बोलना चाहिए, बताना चाहिए, हमें तो पता ही नहीं है फ्रीमेसन क्या है। आपने अभी जो कहा, आपने जो अभी एक वर्ड कहा कि वो एनलाइटन है और उनको कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन पता है जो हमें पता नहीं है, तो उसमें से एक चीज मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने कैलाश पर्वत का कुछ टुकड़ा थोड़ा सा तोड़ के एक छोटा सा उन्होंने नासा भेजा हुआ है कि उसका टेस्टिंग करो, ये क्या है। नासा वालों की समझ से बाहर है वो जगह का जहां वो टुकड़ा लेके गए है ना, वो मल्टी डायमेंशनल जगह का है, सदगुरु ने जान के दिया होगा कि ले बेटे पता कर ले, तेरे को घंटा नहीं पता लगने का ये क्या चीज है। तो ये एक है कि ऐसा है कि कैलाश पर्वत जो है वो खुद में एक रॉकेट है, वो खुद में वो विमान है, वो विमान नहीं सर, वो पृथ्वी का हिस्सा ही नहीं, वो पूरी वो पृथ्वी का हिस्सा ही नहीं, वो अलग लोक है सर। मैं कहा वो जो है ना वो अब वो तो बहुत आगे जाएगा, ईटी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से कहा जाता है। हाँ, तो ये जो सुनने वाले हैं ये बोलेंगे ये डॉक्टर है ही नहीं, इसको तो कुछ भी नहीं है, कहीं भी चला जाता है। तो मैं तभी तो कह रहा हूँ कि डॉक्टर की आप डॉक्टर बनो ही मत ना, मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर के तौर पे मेरे से आप बात करो ही मत, क्योंकि डॉक्टर अगर ऐसी बात करेंगे तो उनकी आवाज दबा दी जाएगी। ईटी जो है ना एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ईटी का सबसे बड़ा एविडेंस जो मिला है वो मिला है 2014 में, 2014 में जर्मनी में, जहाँ पे लूसी नाम की एक बंदर मिली। ये जो माना जाता था कि आदमी बंदर से इवॉल्व होके आदमी तक होमोसेपियन तक आया है, सेपियन होमोसेपियन है, ये सारा चक्र है डार्विन सिद्धांत, जो डार्विन ने एक स्वीडन यूरोप के एक छोटे से बेट पे, जिसका हार्डली सर्कमफेरेंस 150 किलोमीटर भी नहीं होगा, छोटे छोटे बेट थे वो, वहां पे बैठ के उसे ये ज्ञान उसको आया, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा स्पीशीज थे मछलियों के या फिर प्राणियों के छोटे बड़े। तो वो जो डार्विन सिद्धांत था वो 2014 में पूरी तरह से खारिज हो चुका है, क्योंकि लूसी वो बंदर मिली है जो डायरेक्टली बंदर से आदमी का, उसका जो है जीन कोड आदमी का और बंदर का, तो उसमें डायरेक्ट आदमी का जीन कोड है, और इसके ऊपर जो आप कहते हो इवोल्यूशन ऑफ माइंड चक्रा एंड स्पिरिचुअल लेवल, इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया मूवी है, लूसी नाम है उसका, LUCY, लड़की वाली वो स्कारलेट जॉनसन। तो वो जो उसमें दिखी, तो लूसी जो कैरेक्टर उसमें दिखाया गया है वो इमेजिनरी नहीं है मूवी में, वो रियल है, उसकी जो उसका जो बॉडी मिले, उसका जो ऑर्गन है अपना कंकाल है वो जो मिले है वो आज भी जर्मनी के म्यूजियम में रखे गए है 2014 से। Even आप अगर तो सर वो नहीं थी जिसके अंदर वो माइंड को पहले 5% उसकी उसको बॉडी के अंदर कुछ डाल देते हैं उस लड़की के, और वो बॉडी के अंदर वो केमिकल रिलीज हो जाता है और उसके बाद उसका माइंड बहुत तेज फास्ट फंक्शन करने लगता है, और जब वो 100% कैपेसिटी पे पहुंचती है तो वो सब कुछ ही कंट्रोल कर लेती है,
जब वो 10 से 20 पे जाती है तो मतलब वो दिखाया है वो चेंजेस कि एक ह्यूमन से वो सुपर ह्यूमन टाइप की स्टेज पे पहुंच जाती है, राइट? जी जी जी, वही ना? और वो लूसी नहीं है, लूसी है जो बंदर दिखाई गई ना, जो बंदरीन को आखिरी में मिलती है और वो उसको उंगली देती है, तो वो हाँ। जो है वो कंसेप्ट देखिए आप कि वो जो दिखाया गया है दो उंगलियों का एक दूसरे की तरफ आना, वो अच्छा। आप क्रिश्चियन बाइबल में अगर देखेंगे फोटो तो मानव नीचे लेटा पड़ा है और भगवान जो है गॉड, हाँ 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 वो ऐसे उंगली वाला, राइट 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 राइट, होली इमेज जो है, तो हाँ। वो सिंबॉलिक था, आप सिंबॉलिक समझिए क्या था वो, कि यहाँ का ह्यूमन बैक में जाके वो जो लड़की है जब उसका 100% है तो वो बैक में जाके वो उस बंदरीन को लूसी को, तो एक सिंबॉलिक था वो चीज कि मतलब टाइम में जो, हाँ ये तो है ही सर, जब आप फुली सुपर कॉन्शियस बीइंग बन जाएंगे, फुली इवॉल्व हो जाएंगे, तो यू कैन गो इन बैक इन टाइम, ये बोल रहे हो ना आप, एंड यू कैन चेंज थिंग्स। और एक टाइम ट्रैवलर्स के कुछ वीडियो आए हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, तो उसमें का एक जो बच्चा बताता है, बच्चा है ना वो 23 साल का 24 साल का, इसलिए बच्चा का होने, वो बताता है कि 2030-2031 तक टाइम ट्रैवलर मशीन्स सरकार के पास आ जाती है और वो ब्लैक मार्केट में, जैसे कॉमन लोगों के लिए अलाउ नहीं है, तो वो 2036-2037 में जो वो ब्लैक मार्केट में आती है और उसी के थ्रू में आया हूँ यहाँ पे, क्या हो रहा है क्या सब देखने के लिए। तो ये सब चीजें अब वो फ्यूचरिस्टिक है पता नहीं, मगर पता नहीं, हम वी कांट ट्रस्ट दैट, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, मगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो है, जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है उसके बारे में कंफर्म न्यूज है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का जो बेस कैंप जो है वो अंटार्कटिका के नीचे पाए गए है, इसके ओरिजिनल फुटेजेस जो है, कैमरा फुटेज और उसके बारे में जानकारी जब 1945 में अमेरिका और दोस्त राष्ट्र फ्रेंड्स कंट्रीज जो थे, दोस्त राष्ट्र ब्रिटेन, अमेरिका, यूक्रेन वगैरह, इन्होंने जब जर्मनी पे जीत हासिल कर ली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तब एडमिरल बर्ड जो फर्स्ट एडमिरल थे यूएस के, वो अपने एक बहुत बड़े एक मिलिट्री मिशन पे जाते हैं, उसका नाम है प्रोजेक्ट हाई जंप, तो वो प्रोजेक्ट हाई जंप जो है वो वहां पे टैंक्स लेके गए, सबमरीन्स लेके गए, प्लेन्स लेके गए, सब लेके गए, और साथ में कैमरास वगैरह सारी टीम लेके गए, लगभग 10,000 या 15,000 जो मिलिट्री सोल्जर्स का वो स्टाफ था वो लेके गए, और उन्होंने अंटार्कटिका पे रिसर्च किया, अंटार्कटिका में ड्रिलिंग किया, फ्लाइट्स लिए लंबे लंबे, तो अंटार्कटिका के बीच में उनको एक होल मिला जिसके अंदर उनका प्लेन गया, बाद में उन्होंने वो पूरा शूटिंग जो है वो लिया, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा गया, वहां पे उनको अंटार्कटिका बेस में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के जो है प्लेन्स मिले, उनकी गाड़ीज मिली, उनके लोग मिले, उनका उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, आप कभी प्रोजेक्ट हाई जंप गूगल पे डालिए आपको पूरा का पूरा मिलेगा ये सारी जानकारी, क्या सर इसकी वीडियो भी है, पूरा मिलिट्री की ऑफिशियल CIA की वीडियो भी उसमें, जहाँ पे उनकी पूरी शूटिंग है, उनका एडमिरल बर्ड का स्टेटमेंट है, एडमिरल बर्ड का डायरी है, सब है, मगर 1952 में इन सारी चीजों को दबा दिया गया, इन सारी न्यूज को लोगों से छिपा दिया गया। एक था फिल शेडनर, PHILSCNIEDR, फिल शेडनर, ये जो है ये CIA के एजेंट थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1995 में, इसका वीडियो है 1995 प्रिपेडनेस एक्सपो, उस वीडियो का नाम है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं, वो उस 1995 के वीडियो में फिल शेडनर ने खुद कहा है कि मैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के साथ हमारा इनकाउंटर जो है बातचीत हुई, उस पर उन्होंने हमला किया जिसमें मेरे 26 FBI के और CIA के एजेंट मारे गए,
और उसकी जो बीम उसने मारी थी जो गोली, उसकी वजह से मेरी दो उंगलियां जल गई है, उसका वो वीडियो है, उसमें पूरा एक्सप्लेन करते हैं वो। और वहां पे उन्होंने एक एक बात बताई, अभी क्या मैंने कहा ये सारी चीजें जो है ये इविडेंस तो देता हूं मैं, मगर कोई सर्च नहीं करता है, प्रॉब्लम ये है। मैंने बताया, अरे सर सर आप इस चीज की वजह से डिस्कम्फर्ट फील मत करिए, आप अपना काम करते रहिए और आपका अपना काम कर दिया है बहुत बढ़िया तरीके से सर। जिसका जिसको देखो 100 में से अगर 2 बंदे भी रिसर्च कर लेंगे ना तो आपका काम हो गया सर। ये सब चीजें फिर मत देखिए, वो बाकी के लोग फिर जो जो बात शुरू हुई थी अपनी, कौन गुरु, कौन से गुरु थे वो? सदगुरु से बात चालू हुई थी, बात चालू हुई थी कैलाश पर्वत से, बात चालू हुई थी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल दुनिया के सामने कोई नहीं है, उसका नाम है वैल, VALIENT थॉर, THOR, वैल वैलिंट थॉर। ये बंदा 1932 से लेके 2016 तक 17 तक US मिलिट्री के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। 1932 से लेके 2016 तक ये खुद CIA ने उसके बाद में ऑफिशियली लिखा है द एलियंस इन द CIA, ये उन्होंने खुद लिखा है, उसका आपको PDF फॉर्मेट में वो आपको मिल जाएगा गूगल पे, द एलियंस इन द CIA। और ये 1995 के उस कॉन्फ्रेंस में फिल शेडनर कहता है कि ये बंदा, उसका फोटो भी दिखाया उसने उस वीडियो में, बाद में वो आप बाद में भी ढूंढ भी सकते हैं। तो ये बंदा 1932 में जिस उम्र का था वो 1960 में इसको मिला था, वो तभी भी उसी उम्र का था। 1969 में जब उसका जब उंगलियां जली और वो 1969 में पर डे 2 माइल अंडरग्राउंड टनल बना सकते, ऐसी टेक्नोलॉजी यूएस के पास 1960 में थी, 2 माइल पर डे अंडरग्राउंड टनल बनाने की टेक्नोलॉजी तब उनके पास थी, आज अपने पास भी नहीं है। तो आप सोचिए उनके पास क्या है। तो खुद ये कहता है कि ये जो थॉर है ये वेनिस ग्रह से आया होगा, एंजल है वो, इंद्रपुत्र भी तो हो सकता है, क्या पता। मैंने कहा आप ये चीजें तो सबसे बड़ी है कि ये लोग अपने लोगों ने ना महाभारत पढ़ी, ना रामायण पढ़ी, ना भगवत गीता पढ़ी, ना चारों वेद पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा, जो टीवी पे दिखा है सर तभी कंफ्यूजन है। अगर इनको आप थोड़ा सा भी पढ़ लो तो आपको कंफ्यूजन होगी नहीं, आपको स्पष्ट दिखेगा क्या हो रहा है क्या चल रहा है। ये जो हम कहते हैं ये सर जो जो जितने भी देवी देवता हैं एक तरीके से ये एलियंस ही हैं सर, ये हर धर्म में लिखा है। ये आप देखिए, आप अगर जैन धर्म उठाते हो, श्वेतंबर जैन धर्म, मेरा एक दोस्त है, उन्होंने मुझे बताया था कि जब बात चली थी एलियंस के बारे में कि सर हम ऐसे मानते हैं कि ऊपर जो है ग्रह, दूसरे ग्रह पे, वहां पे हमसे 20 गुना बड़े वो एलियंस है, और वहां पे उनके जो गुरु थे उनके एक जो क्या कहते हैं उनके यहाँ पे वो 28 जो आते हैं अवतार लेते हैं, उस 24 जो अवतार लेते हैं उसमें से एक जो है तीर्थंकर, उसमें से एक जो तीर्थंकर है उनका नाम था इला उनको कहते हैं, क्योंकि वो जब वो उस एलियंस जो है ऊपर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, उन्होंने जब उसको उन गुरु तीर्थंकर जी को देखा था तो इलायची जैसे दिख रहे थे वो, उनके लिए वो इलायची जैसे दिख रहे थे, उन्होंने उनको हाथ पे उठाया, तो इसलिए उनका नाम इला तीर्थंकर रखा गया। तो वो जैन धर्म भी है कि वहां पे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। ये तो खुद ब्रह्म कुमारी जो है वो खुद मानती है, इवन आप अगर ये सदगुरु भी देते हैं ब्रह्म कुमारी के हिसाब से, तो सर 2024 में होलेगा सब कुछ ही, 2022 से 24 में ही। तो ये तो अब वो किया है उन्होंने प्रेडिक्ट, तो वो देखा जाए तो जो मैंने दिखाया आपको तो फ्यूचर इज नाउ, 2025 का जो फ्यूचर दिखाया हो ही रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ हो ही रहा है, आज जो चालू हो चुका है, जो टीक ये लेग वो लगवा रहे हैं, जब इनकी ये सिस्टम डैमेज करेगा, क्रोमोसोमल
जो है स्ट्रक्चर ये डैमेज करेगा। इसका वीडियो है, आप जाके देखिए, गॉड जीन, गॉड जीन जिसे SVMAT2 कहा जाता है, उसका 2003-2004 का वीडियो है, जहां पे वो कंपनी का जो बंदा है प्रोमोटर, वो आके खुद न्यूयॉर्क के मिलिट्री के ऑफिस में, जहाँ पे CIA FBI और सारे उनके खुफिया एजेंसी के लोग बैठे वाले, मिलिट्री वाले बैठे हुए वहां पे, उनके सामने प्रेजेंटेशन देता है कि किस तरह से mRNA जो टीका है वो बॉडी के गॉड जीन को डिस्ट्रॉय करके नॉन रिलीजियस जीन को, जिसे गॉड जीन कहते हैं, रिलीजियस जीन को डिस्ट्रॉय करके नॉन रिलीजियस जीन को प्रमोट उसका एक्टिवेट करता है। वो खुद मानते हैं, उसके लिए उसने फंडिंग जमा की 2003 से लेके 2018 तक। ये जो mRNA जो है ये सिर्फ जानवरों में यूज किया गया उनके बीमारियों के लिए, तो जो भी जानवरों को दिया गया वो जानवर 3 साल के ऊपर जिया ही नहीं, ये खुद कंपनी मानती है। तो ये जब आदमियों पे, इंसानियत पे आज जब ये दिया जा रहा है, हमें कुछ पता नहीं है इसका असर क्या हो। और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ट्रांस ह्यूमन जो बनने वाले हैं, जब इनपे दिमागों में न्यूरा लिंक लगेगी, अब भारत के किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट को ये मालूम नहीं होगा कि न्यूरा लिंक आ चुकी है, क्योंकि ये लगे पड़े हैं हॉस्पिटल में कोविड के नाम पे, वो महामारी के नाम पे एडमिट करो, लगाओ सर। एक चीज बताइए, आपके हिसाब से असुरी शक्तियां ओवरटेक कर चुकी हैं एक तरीके से? हाँ, सवाल ही नहीं है, आपको ये लग रहा है? मगर देखे, दोनों को चांस मिलता है, दोनों को चांस मिलता है। कंस का जितना प्रभाव था, उसका जब टाइम था तब तक वो चलता रहा। जब पॉजिटिव एनर्जी, देख आप चाइनीज अगर देखोगे तो उसमें यीन और यांग दोनों है, शिव शक्ति। अगर आप, हाँ, और यहाँ पे अगर आप भारत में देखोगे तो कर्मा इज, अब हम जो कहते हैं, कभी छूटता नहीं है, जितना वो करते जाएंगे कर्म, जब वो घड़ा भरेगा तो फूटने वाला है। वो जालन अपना क्या ना, कृष्ण अर्जुन जिसका वध करता है, कर्ण, कर्ण नहीं, अपने कृष्ण का विषम पितामह नहीं, अभिमन्यु का जिसने वध किया, अभिमन्यु का चक्रव्यूह में निहत्ता था तब वध किया, वो जयद्रथ, ठीक है। तो उसका पाप का घड़ा जब भरा तब डायरेक्टली उसको लग रहा था मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि सूर्यास्त तो हो चुका है, अब युद्ध खत्म हो चुका है, और अर्जुन ने शपथ ली थी कि जब सूर्यास्त तो हो जाए तो मारूंगा, मैं जला लूंगा खुद को, आत्मदाह कर लूंगा, तो हाँ, आत्मदहन कर लूंगा। तो सूर्य का, कृष्ण सूर्य को जल्दी नहीं बोल सकते कि भाई तू चला जा, लेकिन अपने सुदर्शन चक्र से ये इल्यूजन तो क्रिएट कर ही सकते थे कि शाम हो चुकी है। हाँ, सूर्य ढल चुका है, तो वो ये जिस तरह से है ना, कि आज कोई भी कितना भी ये चाहे, जिस तरह से भारत प्रोग्रेस कर रहा था, आज कहीं ना कहीं वो प्रोग्रेस गए 4 साल से रिवर्स आ चुकी है, तो ये इतनी भी रिवर्स नहीं जा सकती है कि उभर नहीं पाएगी। आज इनको कितना भी लग रहा है कि ये हम प्रोग्रेस कर चुके हैं यहाँ तक, ये प्रोग्रेस तो इन्होंने 1920 में भी किया था, इन्होंने स्पेनिश फ्लू जो लाया था 1918-1919 में, और तब जो वैक्सीन टीकाकरण किया था उन्होंने, तो उसका घड़ा उनका बार भरा ही रॉकचाइल्ड फैमिली के, रॉकचाइल्ड फाउंडेशन को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का आरोप लगाते हुए बंद करवा दिया फाउंडेशन को। तो उन्होंने उस फाउंडेशन की जो बिल्डिंग थी उसका नाम चेंज किया और उसका नाम रखा गया जॉन हॉपकिंस। ये वही रॉकफेलर फाउंडेशन की बिल्डिंग है जहां से इन्फ्लुएंजा वायरस, स्पेनिश फ्लू बाहर आया था, और यही स्पेनिश फ्लू है, यही वो जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट से, जहां पे कल कमरा हैरिस बोल रही है कि 2025 में स्पार्स, SPARS, स्पार्स वायरस। तो ये खुद ही वायरस बना रहे, इसे खुद ही महामारियों का स्ट्रक्चर बना रहे, खुद ही छोड़ रहे, खुद ही के पास पेटेंट है वो टीके का, खुद ही कर रहे हैं। जिस दिन इस लोगों को ये समझेगा, जिस दिन लोगों को ये समझेगा कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट वाला बिलू है, ये खुद ही याद लाता है, क्या उसका
सॉफ्टवेयर लाता है खुद ही उसमें वायरस विंडोज आप यूज करते हो ना, विंडोज यूज करते हो, हमने विंडोज यूज करी, हमारे विंडोज में वायरस आ गया तो इसने एंटीवायरस निकाल दिया। यही सेम चीज अभी हर जगह अप्लाई कर रहा है, ह्यूमंस पे भी, एग्रीकल्चर में भी जो जीएमओ आ रहा है इसी की वजह से आ रहा है। और यूएस के अंदर 40% 30% एग्रीकल्चरल रैंड ऑलरेडी ये पोजेस करता है, और सेम मोनोसेंटो की हेल्प से इंडिया में भी यही करना चाह रहा है। 60% लैंड, 60% लैंड उसकी है, 20% जेफ बेजोस की है, और बचे हुए 10% में बाकी किसान है वहां पे। ये दो ही बंदों के पास 90% लैंड। इंडिया में भी ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के तहत यही ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, ऐसा ही कुछ चाहते हैं। बट सर छोड़ो सर, नेगेटिव बात अपने वो करनी नहीं, ये क्या कर रहे हैं, ये कितने तेज है, हमें ज्यादा सोचना है नहीं, हम कितने तेज है हम इस बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हमने इनके ऊपर, इनका ये टीका आने के पहले 2019 में ही मैंने केस दाखिल कर दिया, वैक्सीन कोर्ट एस्टेब्लिश करो, धर्म के आधार पे छूट दो। ये फंस गए वहां पे, ऐसे नहीं मिलेगा सर, ऐसा क्या हुआ बताओ, मेरे को पता नहीं है इस बारे में। तो ये जो आज कर रहे हैं ना, मैंडेटरी करना, ये इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये जिस दिन मैंडेटरी कर देंगे तो फिर जो कोर्ट में मेरी है उस वहां पे फंस जाएगी, फिर इनको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, जो मौतें हो रही है उसका कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, कंपनियों पे गुनाह दाखिल हो गए, ये इसलिए मैंडेटरी नहीं कर पाए। और जहां जियोमो की बात, तो जियोमो की मैं तो समझा 10-12 साल से काम कर रहा हूँ जियोमो के इसके खिलाफ, मगर बहुत से अदर एनजीओ भी इसके लिए काम कर रहे थे, इसके ऊपर लड़ रहे थे। मैं लीगली इस पे पिछले साल मैंने याचिका दाखिल कर दी, तो जियोमो को भी इतने आसानी से तो हम लाने नहीं देंगे। 5G पे याचिका करनी थी मुझे, पर क्या है इतना फास्ट चल रहा है सब कुछ, उस स्पीड से मैं उनके साथ नहीं चल, क्योंकि उनकी उनके पास पूरी सिस्टम है, ऊपर से लेकर नीचे तक उनकी पूरी सिस्टम लगी पड़ी है दिन रात 24 घंटे, हम उस पे थोड़ा सा नहीं कर पा रहे। मगर फिर भी इसके थ्रू YouTube, Facebook, WhatsApp के थ्रू जितना हो सका उतना 5G का। सर अगर आप धर्म का काम कर रहे हैं और धर्म का साथ दे रहे हैं तो आपको ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि आप अकेले नहीं है, आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोवर्टली नीचे नीचे काम कर रहे हैं और उनके काम करने के तरीके भी अलग हैं। तो आपको ये कितने स्ट्रांग है और ये किस तरीके से कर रहे हैं उस पर ध्यान ना देते हुए, जो डिवाइन सेलेस्टियल बीइंग्स के आने की प्लानिंग चल रही है, जो कि बड़ा गेम यहाँ पे एंड गेम स्टार्ट होने वाला है, जो एवेंजर्स रियल लाइफ एवेंजर्स आने वाले हैं, क्या पता महाभारत के जो कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे खड़े हो जाएं सामने आके, क्या पता, होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये चीज का मेरे वीडियो था स्पेशल 27 दिसंबर का, ये इस पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाया था, 23 या 25 दिसंबर मुझे याद नहीं डेट में बनाया था वो वीडियो, तो वीडियो मैंने जानबूझ के डिलीट किया है, इस बारे में बात न की तो अच्छा है। मैं डिलीट कर दूंगा, आप मेरे से बात तो करो, मैं रिकॉर्डिंग्स हटा दूंगा, आप मेरे से बात तो करो, डर क्यों रहे हो इस बारे में बात करने में। ये चीज की वजह से तो ग्रे स्टेट के डायरेक्टर को उसकी पूरी फैमिली को मार डाला है। ये जो चीज है ना, इसी वजह से ग्रे स्टेट के हेलो हाँ आप बताइए सर, थोड़ा हिल गया था इसी, यही हाँ, तो मेरे को पता है इसी की वजह से ग्रेट रिसेट हो रहा है, मेरे को पता है इन्हीं की वजह से डर के ये सब कुछ अभी डर में ऑपरेट कर रहे हैं, ये लोग डर में ऑपरेट कर रहे हैं जो वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, यही तो डरे हुए हैं, क्योंकि वो चीज जो है जो इनका आने इनका आ चुका है, इनका मसीहा जो है ना वो 23 मार्च को आ चुका है, जो पोर्टल खुल दज्जाल इजराइल का जो आप वो एक इसराइल हाँ। में बंदा जो आया वो, अरे कुछ नहीं है सर, ये मानते हैं ना वो, ये मानते हैं वो, हम क्या मानते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो क्या मानते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा तो जो है वो कल की अवतार तो अभी आया नहीं है, वो आया होगा तो भी अभी पता नहीं है। एक नहीं आएगा, पूरी टीम आएगी, जैसे हर बार पूरी टीम आती है, ये चीज समझो ना आप, तो एक बंदे के ऊपर सारा फोकस क्यों है। देखो अवतार, देखिए पहला तो वो इम्पोर्टेंट रहता है, बाकी सब कैरेक्टर तो रहते हैं साथ में, कृष्ण आएंगे तो बलराम भी आएंगे, फिर अर्जुन भी आएंगे, फिर यानी सभी आएंगे, और मेन कैरेक्टर कौन है युधिष्ठिर, वो उसको ज्यादा ध्यान भी दिया जाता है, उसका अवतार कब होगा, तो ये बाकी तो आएंगे, मगर इसके साथ क्या है जिस तरह से इनके भी आएंगे ना अपने, वैसे उनके भी आएंगे,
और वो जो पोर्टल खुला था वो पोर्टल में से वो निकले है बाहर, जो न्यूज मुझे मिली है तो वो निकले है बाहर और वो पोर्टल्स अभी खुला पड़ा है, वो नारा है। सर एक चीज समझो, स्वर्ग पृथ्वी नर्क तीन लोग पातल भी है एक ही जगह पे हैं। ये ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में लोग नहीं जानते होंगे। एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या है ज्यादा लोगों को नहीं पता, या टेलीपोर्टेशन जो नारद मुनि करते हैं इसके बारे में लोगों को नहीं पता, बट ये सारी चीजें आज के दिन भी वैसे ही एग्जिस्ट करती हैं जैसा हमने मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड से लोग आ चुके हैं। जो आप बोल रहे हो बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव के भी लोग हैं नेगेटिव के भी लोग हैं। ये जो लोग हैं आपको सुनने वाले मुझे सुनने वाले ये थोड़ा हम क्या कहते हैं जागरूक हो चुके हैं इस सिस्टम में, जो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, जिन्होंने मैट्रिक्स जो रेड पिल जिसे कहा जाता है खाई है, तो ये वो लोग हैं। बाकी जो ब्लू पिल खा के सोए पड़े हैं, अभी भी चल रहा है आईपीएल चल रहा है, कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, नजबलिए और क्या 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 वो सब बिग बॉस, बिग बॉस तो पूरी का पूरा प्री प्रोग्रामिंग है, प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग, आपका माइंड बना दिया उन्होंने। ये सब चीजें जो है ये खुद बहुत बार आई है सामने, मीडिया ने इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, खास करके ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वर्ड ही आया है 1963 में जॉन एफ कैनेडी का जो हुआ था उसके बाद ही निकला है, उसके पहले ये वर्ड नहीं था, उसके पहले नहीं था, उसके पहले सब ओके था, सब न्यूज थी, ये नहीं निकाला है, या ये नहीं निकाला कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वर्ड। और खास बात है कॉन्स्पिरेसी वालों का हर एक प्रेडिक्शन सच हो रहा है, हर एक प्रेडिक्शन, भले अब मैं जो मैं यहाँ पे इनके हारत के लिए तो मैं सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेसिस्ट हूँ, हर एक तो नहीं हो रहा। देखो मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे आज के दिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के भी, अब इन्होंने अपने लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंदर भी निकाल दिए हैं कि तुम एक काम करो और क्लटर क्रिएट करो। जो लोग रियल रिसर्च करके रियल बात कर रहे हैं वो लोग बेवकूफ लगे हैं, इसलिए तुम अलग अलग कॉन्स्पिरेसी पचास। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो ओरिजिनल कॉन्स्पिरेसी वाले हैं ना उनकी बातें समझिए 100 में से अगर 80% बातें भी सच हो ना तो वो सब सक्सेस कहा जाता है, हो रही है। इनकी 80% के ऊपर बातें आ रही, जो आप जो कह रहे हैं वो नहीं हो रही ना सबको, वो कवर अप है, वो कवर अप है एज उन्होंने बैठे हुए हैं और फेक है। अगर जब मैं कहा था कि भाई सेकंड वेव आएगी और आएगी तो वो 15% पे जाएगी पिछले साल के मुकाबले, तो आज जो हो रहा है ये तो 15-20% है। अगला जो आएगा वो आएगा अक्टूबर के आसपास, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर में लोग लेंगे उतना वो शेड आउट होगा और वो शेड आउट होके लोगों में जाएगा, तब ये 5G का और बढ़ाएंगे। तो ये सब जो है ये तब तक समझेंगे नहीं लोग, और जब तक ये रास्तों पे नहीं उतरेंगे जैसे लंदन में उतरे हैं, जैसे उतरे हैं जैसे ब्रिटेन में, जर्मनी में, स्पेन में, इटली में, सब समझेंगे सर, सबका समझने का टाइम अलग होता, टाइम अलग होता है, हर किसी के जो सब समझेंगे। आप तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, घड़ी में आप लोगों के IQ टेस्ट कराओ, आप जितने IQ टेस्ट करेंगे उतने बेवकूफ भी बढ़ेंगे, उतने बेवकूफ ज्यादा मिलेंगे ना, क्योंकि IQ टेस्ट में अकल समझ में आएगा, तो होशियार तो कम ही रहने वाले हैं जिनको अकल है। आज भी आप देखो लोग इंडिकेटर देते हैं कौन से साइड का और गाड़ी कुछ साइड चला, तो ये सब नहीं है, ये सब ये है। आप लोगों को बहर बात चल रही थी अपने धर्म की, तो यहाँ पे लोगों ने ना गीता पढ़ी है भगवदगीता, ना रामायण, ना महाभारत, ना कुछ ना किताबें, ये सिर्फ उन्होंने टीवी पे देखा 19वें दशक में महाभारत, इन्होंने 19वें दशक में देखा रामायण, फिर आए कृष्ण का चैनल, कृष्ण की मालिकाएं, फिर आए भगवान शंकर की मालिकाएं, तो ये 20-30 सालों से क्या हो रहा है जो टीवी पे दिखा रहे हैं ना, बस इतना ही इनका पड़ा है अपने धर्म के बारे में, बाकी कोई नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। जो कुछ कीर्तन जाके वो राम कथा में जो सुनते होंगे, पढ़ने की जहमत नहीं की, सुनने की जहमत कर रहे, तो सुनने के बाद उसको पढ़ो, सुनने वाले का भी काम हो जाता है वैसे, सुनने वाले के भी समझ में आ जाएगा, वो आएगा ना मर जैसे, पढ़ने वाले को एक पढ़ने के बाद में समझ में आ जाता है, सुनने वाले को वो चीज 10 बार सुननी पड़ती है तब उसको समझ में आता है कि इन शब्दों का अर्थ क्या था, क्योंकि जब
पढ़ने वाला है उसको जब पढ़ेगा, जो समझेगा तब वो बोलेगा। जब मैं कोई चीज पढ़ूंगा और वो मुझे समझी नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा सामने वाले को। एक तरीका और है सर, एक तरीका और है, बिना पढ़े भी हो सकता है काम। जैसे सदगुरु खुलेआम क्लेम करते हैं कि मैंने ना कोई महाभारत पढ़ी है ना कोई रामायण पढ़ी है, बट आई नो एवरीथिंग अबाउट दोस थिंग्स। तो ये भी एक तरीका है, जैसे बुद्ध को किसी ने बाहर से आके नहीं पढ़ाया कि भाई तू ये बोल, ये जो चीज है ना मेडिटेशन, मेडिटेशन जो है राजयोग जिसे कहा जाता है, ये तो देखो ये मैं खुद पढ़ा हूं, मैं करा किया करता भी हूँ कभी कभी मेडिटेशन राजयोग का। योग के चार प्रकार है, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो ये योग यानी परमात्मा को पाने का रास्ता, जरिया। तो चार जरियों से आप वहां तक उस तक पहुंच सकते हो। तो एक है राजयोग कंप्लीटली मेडिटेशन, सेकंड आता है ज्ञान योग, आप पढ़ के रीडिंग करके ज्यादा से ज्यादा जो लोगे वो ज्ञान योग। दूसरा है भक्ति योग, जो ये थे आपके सारे संत जो है, मीरा तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, मीरा भाई, सारे ये सारे सारे भक्ति योग के थे, भक्ति में इतने लीन थे कि उनको भगवान ही था। और चौथा आता है कर्मयोग, कर्म करो कि आपके कर्म ही आपकी जो डेस्टिनी, डेस्टिनी जिस तरह से अपना श्रावण बाल जो था वो अपने माँ बाप को लेके वो गया था बोधाम की यात्रा पे, उसका कर्म था। श्री कृष्ण ने कर्म प्रधानता ही समझाई है मेनली, कि कर्म करो, फल की इच्छा उस पर छोड़ दो सब कुछ नहीं होगा, वादी का रस्य माँ फली शुक्र। तो कर्म जो है जो इंसान इन चारों योगों को एक साथ कर लेता है उसको साक्षात परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। वो नहीं है, उसको अपने अंदर ही उसका जो बीज है परमात्मा का वो जागृत हो जाता है, तो उसको ऑटोमेटिकली ऊपर से सब कुछ डाउनलोड होने लग जाता है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। लोग सुनने के लिए भी राजी नहीं, लोग उस चीज पे बात करने के लिए भी राजी नहीं है, लोगों को सुनाना ही नहीं है सर। हम क्या है, जिस तरह से आप रेडियो चैनल चलाते हो सुनते होगे, जिस जो वो रेडियो वाला अपना करता है बात, उसका अपना अपना लगा रहता है वो, और दोस्तों ये हुआ और दोस्तों वो हुआ और ये सुनिए गाना, तो जिसको सुनना है उस कार में बैठे वाला या फिर रास्ते से चलने वाला हेडफोन वाला, वो क्या है वो चैनल ट्यून करके रखेगा। जिसको नहीं सुनना है वो नेक्स्ट रेडियो पे जाएगा जहाँ पे पुराने गाने बजते हो या फिर वहां पे और कुछ बजता हो। तो सर प्रकृति भी तो एक चीज का डिसाइड करती है कि किसको सुनाना है क्या। अब किसी बंदे को वो सुनना ही नहीं है, सुनाना ही नहीं, प्रकृति नहीं चाहती, इसका टाइम नहीं आया सुनाने का, तो इसको क्यों सुना दूं मैं। और अगर सुना भी दिया तो उसकी बुद्धि पे ऐसा वश कर लेना है कि ये मान ही ना पाएगी ये सत्य है। ये जो कहा है भगवद गीता में भी और कृष्ण ने, मैं हूं कर्ता धर्ता सृष्टि का वाहक, अगर उसकी ही मर्जी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर उसकी मर्जी है तो दुनिया का कोई भी आदमी कोई भी चीज उसको रोक नहीं सकता है। ये साइंस जो है ये खुद मान चुका है कि गॉड पार्टिकल है, गॉड है। भगवत गीता में अपने हिंदू धर्मों में जो लिखा गया है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया 2 साल पहले। नहीं भाई, सृष्टि का जो है वो धर्म हिंदू धर्म में जो बताया गया है उसी तरह से है। अब ये साइंस को कितना एक्सेप्ट करना है कितना नहीं करना है, क्योंकि भारत ही था जिसने दुनिया को शल्य चिकित्सा जो है सर्जरी जो है भारत ने दी है, 0 भारत ने दिया है। इवन विमान शास्त्र में विमान का दिया, इवन जो आप जो कहा था कि पेट्रोल डीजल इन चीजों से नहीं बने थे, तो वो जो जनरेटर्स थे जहां से पावर जनरेट होती है, वो जो बैटरीज है उसका तक डिजाइन उस विमान पुराण में है। मगर आज का कोई भी नेवी एविएशन इंजीनियरिंग का बच्चा, ना मैकेनिकल इंजीनियर का बच्चा, ना इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग का बच्चा, वो उठा के उसके ऊपर उस चीज को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई नहीं करता। जिस दिन वो करेंगे सर, इसलिए नहीं ट्राई करता ना सर, एक चीज समझो, इसलिए ट्राई नहीं करता वो। देखो सर,
15 साल का, 16 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा भी वो करता है जो आसपास के लोग कर रहे होते हैं या फिर जो घर वाले बता रहे होते हैं। घर वाले और आसपास के लोग सिर्फ वही कर रहे होते हैं जो सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। ये सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर रहा है कि आप विमान शास्त्र के बारे में रिसर्च करें, आप पुराणों पर रिसर्च करें, आप वेदों का अध्ययन करें, जो इस धरती ने दुनिया को दिया है सबसे बड़ा ज्ञान, उस पे ही काम नहीं हो रहा है। तो यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर जो मैकॉले ने किया वो यही तो किया कि गुरुकुल डिस्ट्रॉय करके, अगर मैंने एजुकेशन डिस्ट्रॉय कर दी तो मैं कंप्लीटली इस धरती को डिस्ट्रॉय कर दूंगा क्योंकि यहाँ से सारे मूर्ख निकलेंगे, पढ़े लिखे। ये क्या है, ये क्या चीज है, ये कंट्रोल है, एमके अल्ट्रा जो है माइंड कंट्रोल प्रोग्राम, तो ये एमके अल्ट्रा में, और ये इन्होंने छाप दिया है 24 जनवरी 2021 के दिव्य मराठी का, दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज पे इन्होंने इनका पूरा का पूरा प्रोग्राम छाप दिया है कि हम अगले 5 साल में क्या करना है तुम्हारे वाले, तुम्हारे साथ। तो ये चीज छपने के बाद में, लोगों को दिखाने के बाद भी लोग इतने, हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस माइंड इतना डिस्टर्ब हो चुका है क्योंकि इतने केमिकल यूज करते हैं। आप पेप्सोडेंट यूज करो, आप जो टूथपेस्ट है वो यूज करोगे, आप साबुन यूज करोगे, आप क्या कहते हैं उसको, नहाने का शैम्पू यूज करोगे, आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स खाओगे, आप जंक फूड खाओगे, तो आपके ब्रेन का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो लिम्बिक सिस्टम जिसे कहा जाता है, वो उसका जंग चढ़ जाता है उसको। बिल्कुल, वो एनालाइज करना, सिस्टमेटिकली उसको डिफ्रेंशिएट करना, ये समझ नहीं पाते कि इसको किस तरह से एनालाइज किया जाए, किस तरह से इसको देखा जाए। हम जो कहते थ्री, तभी तो कह रहा हूं एक बार आश्रम जाके आओ, वहां पे बहुत सारी चीजें आपको ऐसी सीखने को मिलेंगी जो आपकी इवोल्यूशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। लिटरली मैं आश्रम नहीं गया अभी तक, मैं मिला भी नहीं हूं उनसे, कभी गया नहीं हूं वहां पे, लेकिन ऑटोमेटिकली ऐसी चीजें होने लगी कि जो चीजों का आपने मेंशन किया है, पेस्ट डिफरेंट तरीके की यूज करता हूँ या फिर दातुन यूज करता हूँ, सोप नहीं यूज करता हूँ, और जो पाउडर सा आता है क्या बोलते हैं उसको, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का और कुछ है कैसे करके, स्नानदी पानी करके एक पाउडर आता है वो यूज करते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीजें कि आप अपने ऑरा को, एनर्जी को, बॉडी को, मेंटल लेयर को, सबको प्रोटेक्ट करने के आपको वैदिक पुराने तरीके के उपचार करने पड़ेंगे जिससे कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। देखो सर, मैंने ना एज ए, आपने एमके अल्ट्रा का नाम लिया तो मेरे को पता है कि कैसे बॉलीवुड के अंदर, हॉलीवुड के अंदर और जो एंटरटेनर्स हैं इस वर्ल्ड के, उनके थ्रू इसको प्रोजेक्ट किया जाता है बाकी पॉपुलेशन के ऊपर। तो मैंने भी एज ए आर्टिस्ट काम स्टार्ट किया है कि मैं लिखने लगा, मेरी जो ये बातें, आप जो ये बातें करते हो, आप अगर इनको लिखने लगोगे तो इसके अंदर आपको ना एक पोइट्री अपने आप ही बन जाएगी, एक रिदम मिल जाएगी, एक राइम बनने लगेगी। तो उसके बाद मेरे को लिटरली लगने लगा कि भाई मैं शायद कुछ इम्पैक्ट डाल सकता हूँ पोएटिक तरीके से, तो मैंने गाने लिखने स्टार्ट किए। और मेरे गाने भी जो होते हैं वो मैं काफी, मतलब पुराने टाइम की, एंशिएंट टाइम की इंस्पिरेशन लेके लिखता हूँ और कोशिश कर। Vishnu, chal wake up bro. Vishnu, you are Vishnu, chal wake up bro. You are the writer of your life story, no one else. You are the writer of your life story, no one else. Body's a temple with God inside you, nowhere else. Body's a temple with God inside you, nowhere else. कि हर गाने में कुछ knowledge जरूर हो, कुछ ज्ञान जरूर हो थोड़ा बहुत, जो मुझे लगता है कि मैंने अभी तक अर्जित किया है। और बाकी जो मार्केट में जिस टाइप का प्रोजेक्ट करते हैं कि लेविश लाइफ क्या है भाई, गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी लड़कियां हैं और फन कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, उल्टा सिस्टम चल रहा है, लोग इस चीज को पसंद ही इसलिए करते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट इस तरीके से किया गया है एक तो, और एक टेम्परेरी हैप्पीनेस मिलती है लोगों को इस चीज से। लाइफ में मैंने बथेरा कुछ किया है सब कुछ, लेकिन आज के दिन मैं अपने गानों के अंदर जो दिखा रहा हूँ वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज है कि भाई इस चीज से भी आप डोपामीन ले सकते हो, ये कंटेंट भी आपकी वाइब्रेशंस को रेज कर सकता है, और बजाय कि जो आप टीवी पे देख रहे हैं, म्यूजिक वीडियोस देख रहे हैं, वो आपकी वाइब्रेशंस को एक तरीके से सक भी करता है और आपके माइंड को गलत तरीके से प्रोग्राम भी करता है। वही तो ये भक्ति योग जो है वो वही तो आनंद देता है, जो भक्ति योग में जाता है तो वो डोपामीन लेवल का आनंद वहां पे मिलता है, वो डोपामीन रिलीज कराता है। तो उसके आनंद जो है, जो ओशो ने कहा है, ओशो का भी जो था वो तरीका,
या फिर आप विवेकानंद का जी का लीजिए या फिर आप सदगुरु जी का लीजिए, तो एक ही है वो तरीका जो है कि आप उस एनर्जी को फील करो। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।